आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। अजय देवगन की फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि आजकल अजय देवगन हिस्टोरिकल फिल्म पर ज्यादा ध्यान देते नजर आ रहे हैं। कभी वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज पर अपनी फिल्म बनाना पसंद कर रहे हैं तो कभी वो हिस्टोरिकल फिल्में करना पसंद कर रहे हैं, जैसे कि तानाजी। वहीं हम बात करें उनकी आने वाली फिल्म मैदान, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, वहीं मेरे भी सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। अजय देवगन RRR में भी नजर आने वाले हैं, वहीं वो गंगूबाई काठियावाड़ी में भी नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि अजय देवगन की हाल ही में एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ध्वज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसे काफी पसंद किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल अजय देवगन ने 160 करोड़ की कमाई की है? जी हाँ, आपको बता दें कि आमतौर पर अजय देवगन एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और कभी कभार इनकी फीस रिड्यूस भी हो जाती है, क्योंकि वो फिल्मों में अपने रोल और अपने रोल के इम्पोर्टेंस को देखकर फीस चार्ज करते हैं। कभी कभार तो वो किसी किसी फिल्म में फ्री में भी एक्टिंग कर लेते हैं, जैसे कि RRR में। RRR में वो फ्री में अपने रोल को कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया है, क्योंकि SS राजमौली उनके सबसे अच्छे दोस्त है। और इसी तरीके से वो साउथ में भी पहली बार डेब्यू करते नजर आए। वैसे हम बात करें अजय देवगन की फीस के बारे में, तो जहां पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन ने 30 से 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं अब उनकी आने वाली फिल्म रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि लूसिफर रीमेक है, इसमें वो 125 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। और ये अजय देवगन की फर्स्ट वेब सीरीज होने वाली है और वो पहली बार OTT पर डेब्यू करते नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर दोनों फीस को मिला लिया जाए तो कम से कम उन्होंने 160 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है इस साल। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।